देख रहे हो इसके हम काया प्लाट करने वाले हैं। द मेन पॉइंट इज ये मैंने बेचा नहीं। बेस्ट मीना बेस्ट मीना बेस्ट मीना। तो आज का डे हुआ है बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट, और इसके पीछे मेजर रीज़न ये था मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मेरे को बिल्कुल भी। और सबसे मेजर बात यह है कि सुबह वाले स्टाफ में से दोनों स्टाफ आज छुट्टी मार गए, तो आज कैफे को लेगा लेट। मैं जा रहा हूँ लकड़ी वाले का फाइनल करने, वॉल पेपर का फाइनल करने। आँखें जल रही है मेरी। ठीक है, मज़ा आ रहा है। सबसे मजदूर ना छुट्टी मार गया आज, मेरे को लगता है हफ्ते में कहाँ पे तैयार हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है। और दीवार टूटने के बाद ऐसा लग रहा है कहाँ पे, क्योंकि बहुत ही बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा। लेट्स सी कैसे करते हैं हम। अभी सिर्फ आउटडोर सेटिंग अवेलेबल है आज। आवर फर्स्ट ऑर्डर फॉर टुडे वेज स्टीम मोमोज, बन मस्का एंड अदरक इलायची चाट, और मैं मम्मी के लिए कर रहा हूँ। शीशे के लगने वजह से हमारी जो दहलीज ख़राब हुई थी ना, हम सबसे पहले आज उसका काम छुड़वा रहे हैं, ये हो जाएगा। और अभी वॉलपेपर वाले से भी बात हुई है भैया, बहुत खर्चा बहुत। आज जो है ये वाला काम हो गया फ्लोरिंग का, ये गेट के चक्कर में हमने काट रखा था, ठीक है। और चिमनी उतर गई है, चिमनी उतारना इज़ द मस्ट थिंग। और हम उस वाले किचन में चिमनी नहीं लगा रहे, बस एग्जॉस्ट फैन लगा रहे हैं, उससे काम हो जाएगा। वहाँ पर बहुत चीज़ें, अब एसी का पाइप भी चेक करना है, एसी का पाइप कैसे आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैनल्स लगे हैं भैया, बहुत काम है। देख रहे हो इसके हम काया प्लाट करने वाले हैं। द मेन पॉइंट इज ये मैंने बेचा नहीं, ये एग्जॉस्ट मैंने बेचा नहीं। द मेन रीज़न इसको हम किचन में जुगाड़ से लगा देंगे। आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई DIY, ठीक है। सो होपफुली कल 60% काम हो जाएगा। लेट्स सी कितना कैसे कंप्लीट कर पाते हैं। बस मेरे को फ्राइडे की नाइट तक सारा काम कंप्लीट करके सैटरडे को खोलना है कैफे प्रॉपर तरीके से, जैसे पहले ऑफकोर्स खुलता है। सैटरडे तक खुल रहा था, संडे तक खुल रहा था, पर ये बोर्ड भी टिक करवा के सब चीज़ें बिल्कुल सेट कर देंगे। बट विश मी अ लक कि सब अच्छे से हो जाए। बहुत सारी चीज़ें भाई, यहाँ पे पंखा आएगा, ओए मत गिर, यहाँ पे पंखा आएगा, लाइट्स आएंगी, यहाँ पे लाइट्स आएंगी, ठीक है। बहुत चीज़ें इसमें भी चेंजेस होंगे, यहाँ पे भी लाइटें आएंगी। तो 10,000 तो मोटा मोटा पंखा और लाइट्स का मैं बजट लेके चल रहा हूँ। लेट्स सी कैसे क्या बजट बनता और कैसे ये जो काया है इसको पलटेंगे। बस अब कितनी गहरी नींद में सो गया हूँ जिसके कोई हद नहीं है। 2:30 बज रहा है अभी, और सुबह कितने बजे आया था मैं, 6:30 बजे घर आया था। और सीन कुछ ऐसा है कि वो मजदूर लगे हैं, वो काम कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा मेजर बात ये है कि मैं 8:30 बजे तक उनकी वेट कर रहा था, सोया नहीं, और जब सोया इतना चप्पड़ फाड़ के सोया। अभी भी ऐसी घोर नींद आ रही है ना, और गले में दर्द है, गले में दर्द के चक्कर में मॉन्स्टर भी नहीं पी सकता, क्योंकि तो गला पूरा बैठ जाएगा, बीमार पड़ जाऊँगा। चाय या कॉफ़ी ही मारनी पड़ेगी, कोई नहीं, वो तो पास में शेक टेल है, मैं उनको बोल दूँगा एक चाय भिजवा दूँ। हालत बहुत बुरी है, थक गया हूँ। आज कैफे भी नहीं खोलेंगे हम, क्योंकि सुबह वाला स्टाफ आज फिर छुट्टी में दोनों, और अंकल ये इधर चलाओ। लिटरली मेरा फ़ोन 1% पे, और मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। अभी सीन है काफ़ी अच्छी सेल करी हमने, 8:30 बजे खोलने के बाद भी 11 बजे तक काफ़ी अच्छी सेल करी, और मैं ही मतलब सर्विंग कर रहा था, क्योंकि बंदा छुट्टी पे था आज एक, तो उसके चक्कर में मैं ही सर्विंग कर रहा था। मैं पूरा गीला हो गया, मैं घर जा रहा हूँ, टी शर्ट चेंज करूँगा और अपनी चार्जिंग वायर लूँगा। मैं ये प्लान करके नहीं आया था कि मैं यहीं रुक जाऊँगा, मेरे को लगा था काम स्टार्ट करवा के आ जाऊँगा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़।
सो भी टाइम हो रहा है पूरे 6:14 और सीन कुछ ऐसा है कि अब हम जा रहे हैं घर। और भाई साहब आज करा मेहनत तगड़ी वाली, आज मैंने कैफे में बहुत मेहनत करी है अपने मैनेजर साहब के साथ, और भाई लग गए, सीरियसली लग गए भाई। क्यों लग गए? सिंपल बात है भाई, सारे ऑर्डर्स में मेरा हाथ था, ऑर्डर देने वाला मैं था क्योंकि वो फूड मेकिंग में ज़्यादा था, फूड मेकिंग मैंने भी करी और मतलब मज़ा भी आया, लेकिन जिस हिसाब से पैर का हाल है उस हिसाब से लगे भी बहुत तगड़े हैं। ओके सो अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं और मैं अभी भी अभी मैं जग रहा हूँ क्योंकि मैं हर जगह फ़ोन कर रहा हूँ कि भैया आज काम हो जाना चाहिए, आज ये काम होगा, आज वो काम होगा, और मैं को वैसे अभी सोना था बट मैं सो नहीं पाऊँगा क्योंकि 8:30 अभी बजे, 11 बजे तो मेरे को सारे काम करवाने जाना है, तो पता नहीं कैसे होगा, लेट्स सी, हो सकता है 2-3 घंटे की नींद ले लूँ फिर काम करवाने जाऊँ, लेट्स सी। टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12:30 और हम उठ के हैं जारा कैफे की ओर। इनको फ़ोन करा था, वो सारे जो है मतलब उन सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, असेंबल करना पड़ेगा, भैया काम करो काम करो काम। Day 2 ऑफ नाइट ड्यूटी और मैंने मूड़े के ऊपर पैर रख रखा, तकिया लगा के, तकिया पड़ा हुआ था यहाँ पे क्योंकि मैं यहाँ सोता था ना, और सीन लिटरली ऐसा है कि भाई साहब बहुत दर्द हो रहा है पैर में, तो अब तक दर्द हो रही है, ऊपर से कल भीग भी गया था इतना ज़्यादा, उसके चक्कर में ऐसा लो फील कर रहा है ना, पता नहीं कैसे अभी मैं हर एक चीज़ कर रहा हूँ बट इट्स वेरी हार्ड। बट द पॉइंट इज अगर गिटार छेड़ दिया तो पूरी बजा के रहेंगे, मेरे बालों को इग्नोर करना भाई। देखो हम कैफे के बाद पराठे खाने आ गए पंडित जी। देखो बहुत सिंपल सीन है कि आप जितने भी थके हो, आपको जेब में जितना भी काम है, जब आपके भाई आ जाए तब आपको ये सब करना ही पड़ता है क्योंकि फिर लाइफ में मज़ा नहीं आता। अगर इस पर मैं बटर नहीं लगाऊंगा तो ये रूखा पराठा कहलाएगा। बटर निकालूं? बटर निकालूं? कुछ याद दिलाऊं? ब्लॉग में कुछ भी बोल दूंगा और सीधा भेज दूंगा वीडियो। कट 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 सारे दिन पिछले ब्लॉग।